वीर भी दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर देखकर आप हैरान हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, क्योंकि तस्वीरें कुछ ऐसी हैं। बांग्लादेश में उपद्रवियों ने एक मोटरसाइकिल शोरूम को आग के हवाले कर दिया, जो कुछ ही देर में शोरूम धू-धू करके जल उठा। और बताया गया कि इस शोरूम के मालिक बेमल चंद डे हैं, और ये दावा है कि इस शोरूम को इसलिए धुआं कर दिया गया है, जला दिया गया, क्योंकि इसके मालिक एक हिंदू हैं। बांग्लादेश में इस तरह से हिंदुओं को टारगेट करने की खबरें लगातार आ रही हैं। कट्टरपंथियों का ये पूरा जो बवाल है जो मचा हुआ है बांग्लादेश में, उसकी एक तस्वीर आपको इस वक्त दिखाया जा रहा है। हिंदू का बाइक शोरूम फूंका गया है, क्योंकि बाइक का जो शोरूम था उसका मालिक हिंदू बताया जा रहा है। कट्टरपंथियों की यह करतूत बांग्लादेश में लगातार बढ़ती जा रही है। पहले इस्कॉन टेम्पल की वो तस्वीरें निकलकर बाहर आई जहाँ मूर्तियों को खंडित किया गया। ये भी निकलकर बताई थी कि कई सारे मंदिरों को आके हवाले किया गया। हिंदू पत्रकार की एक हत्या वहाँ की गई, और अब बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की जो सीमाएं हैं वो उन्होंने लांघ दी है। एक बाइक शोरूम को इसलिए आग के हवाले कर दिया गया, और शोरूम के आगे जो खड़ी बाइक थी उसको भी आग को हवाले इसलिए किया गया क्योंकि वो एक हिंदू मालिक उस बाइक का शोरूम बताया जा रहा था। तो वहीं बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के 4 दिन बाद अंतरिम सरकार शपथ ले चुकी है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया बन चुके हैं, लेकिन अभी तक बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथी हमले नहीं रुक रहे हैं। तो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ क्रूरता और हिंसा की लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। अंतर्वर्तीकालीन सरकारेर प्रधान उपदेष्टा पदे कर्तव्य विश्वस्ततार सहित पालन करिब। बांग्लादेश में तख्ता पलट के 72 घंटे बाद अंतरिम सरकार बनी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या अब हिंदू सुरक्षित होंगे? नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में नई सरकार ने कमान संभाली, लेकिन सवाल फिर वही, क्या अब हिंदुओं पर हमले रोकेंगे? पेशे से अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार की कमान तो संभाल ली, लेकिन बांग्लादेश के प्रमुख का ये पद कांटों भरे ताज से कम नहीं है, क्योंकि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद भी बांग्लादेश में हालात संभालने की बजाय और बिगड़ गए। हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, पूर्व सेना अधिकारियों के घरों को जलाया जा रहा है, आंदोलन के नाम पर अब भी लूट हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया को बधाई देने के साथ ही उन चुनौतियों से निपटने के लिए भी कहा जिन चुनौतियों से बांग्लादेश फिलहाल गुजर रहा है। पीएम ने एक्स पर पोस्ट के जरिए लिखा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारियां संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में जल्द से जल्द वापसी की उम्मीद करते हैं। भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। अंतरिम सरकार के मुखिया का पद संभालने के बाद मोहम्मद यूनुस ने अपनी प्राथमिकताएं बताई और दावा किया कि हिंदुओं पर हो रहे हमलों का आंदोलन से कोई नाता नहीं है। এর মধ্যে আমরা শুনলাম, আসার পথে শুনে আসছি যে এখানে আইন শৃঙ্খলার ব্যাঘাত হচ্ছে, মানুষকে আক্রমণ করছে, ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে, সম্পদ জ্বালিয়ে নষ্ট করছে, চুরি করছে, দিয়ে যাচ্ছে, অফিস আদালতে আক্রমণ করছে, সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ করছে, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, আহমদিয়া সবার উপর আক্রমণ করছে। এগুলো হলো ষড়যন্ত্রের অংশ, এগুলো আমাদের বিষয় না, আমাদের কাজ হলো এটাকে রক্ষা করা। मोहम्मद यूनुस चाहे जो दावा करें, हिंदुओं पर हमले के पीछे की वजह चाहे जो गिनाएं, लेकिन सच ये है कि फिलहाल बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है और हिंदुओं की सुरक्षा का जिम्मा देश की सरकार के ऊपर है। लेकिन फिलहाल हालात क्या हैं, अब जरा वो देखिए। ये बांग्लादेश के नोआखली का वीडियो है। वीडियो में कुछ कट्टरपंथी एक हिंदू लड़की को अगवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 से 12 लोग लड़की को जबरन कार में उठाकर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में जब शिकायत हुई तो कई घंटों बाद जाकर सेना ने इस हिंदू लड़की को कट्टरपंथियों के चंगुल से छुड़ाया। भारत को बांग्लादेश से जोड़ने वाले कई बॉर्डरों पर अब भी सैकड़ों की संख्या में हिंदू परिवार मदद के इंतजार में टकटकी लगाए बैठे। बांग्लादेश में क्राइसिस के बीच जो छात्र वापस हिंदुस्तान लौटे हैं उनसे सुनिए कि फिलहाल बांग्लादेश के शहरों में क्या हालात हैं। कि वहाँ पर नेटवर्क शट डाउन कर दिया था, पेरेंट्स से कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, बात नहीं हो पा रही थी। कब आई हम वहाँ से? हम 23 को निकले थे, 25 को हम वापस मतलब अपने घर आ गए थे। बांग्लादेश में चुनौती बड़ी है, सरकार पर जिम्मेदारी बड़ी है, लिहाजा अब अंतरिम सरकार से उम्मीद यही है कि हालात जल्द ही सामान्य होंगे। और महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया। पिंपरी चिंडवाड़ा इलाके में एक कार ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी और करीब 300 मीटर तक मोटरसाइकिल और उस पर सवार दो लोगों को घसीटा। इस हादसे में मोटरसाइकिल पर जा रहे सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 7 अगस्त की शाम को हुई इस घटना की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को गिरफ्तार किया है, साथ ही कार को जब्त कर लिया है। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर का मेडिकल टेस्ट भी करवाया है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे से एक बार फिर से इस तरह की भयभीत करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहाँ एक गाड़ी घसीटते हुए लेके जा रही है। दो लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए बताया जा रहा है। कार सवार ने 300 मीटर तक इसको घसीटा। और एक बार फिर से बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां पर बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो गया, लेकिन इसी बीच दहशतगर्दी की एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश हुआ है जिसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान और बांग्लादेश से है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए इस पर। बांग्लादेश में दहशतगर्दी की सनसनीखेज साजिश। सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी में आतंकी संगठन, भारत के खिलाफ प्लानिंग, मोहरा बांग्लादेश। अंतरिम सरकार के गठन के बाद बांग्लादेश में हालात पटरी पर लौटेंगे या नहीं, ये अभी भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि खुफिया सूत्रों के हवाले से पता चला है कि बांग्लादेश में ग्लोबल टेरर ब्रिगेड एक खौफनाक साजिश को अंजाम दे रही है। खुफिया सुरक्षा एजेंसियां दावा ये भी करती हैं कि बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार को यह कट्टरवादी आतंकवादी संगठन हाईजैक करना चाहते हैं, ताकि भारत समेत पूरे विश्व में वह अपने पैर पसार सके और आतंकवाद विरोधी उनके एजेंडे को मिल सके एक मजबूत स्पॉन्सर। खुफिया सूत्रों के हवाले से पता चला है कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के साथ साथ हार्डलाइनर आतंकी संगठनों की टोली भी एक्टिव हो गई है। आतंकियों का ये दस्ता सत्ता में अपनी भागीदारी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। कट्टरपंथियों के इस खास किलर टीम में जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, जमात उल अनसार फिल हिंदल शारकिया, अनसार अल इस्लाम, हरतक उल जिहाद अल इस्लामी बांग्लादेश जैसे संगठनों के जेल से रिहा हुए काडर शामिल हैं, जिनको बांग्लादेश और भारत में आतंक फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था या फिर ये तख्ता पलट से पहले बांग्लादेश में कहीं छिपे हुए थे। सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि नूरुल इस्लाम, बुलबुल मोहम्मद नजरुल इस्लाम, कमाल अहमद सिकदर, अबू आमिर अल बंगाली, अबू रूहम अल बंगाली, अबू अदनान, अबू दुजाना अल बंगाली और अबू एहसान वो प्रमुख चेहरे हैं जो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। नूरुल इस्लाम जेएमबी के प्रमुख नेताओं में से एक हैं, जो उनकी गतिविधियों को ऑपरेट करता है। बुलबुल मोहम्मद ढाका में एक्टिव है। फिलहाल जमात के रिहा हुए नेताओं के स्वागत कार्यक्रम का वो आयोजन कर रहा है। अबू आमिर के अलकायदा इंटरनेशनल से संपर्क रहे हैं, जबकि अबू दुजाना और अबू एहसान जमात उल अनसार फिल हिंदल शारकिया संगठन के सदस्य हैं। जो पिछले कुछ ही सालों में सक्रिय हुआ है और आंदोलन में इसकी प्रमुख भूमिका थी। खुफिया और सुरक्षा एजेंसी सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश में जो नई अंतरिम सरकार बनी है उस पर दबाव बनाना चाहते हैं जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश और उस जैसे कई कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन, और इसकी वजह साफ है क्योंकि वह भारत में अपने काडर को ढकेलना चाहते हैं ताकि उनके काडरों को फंडिंग मिल सके और उनका मजबूत बेस यहां भी भारत में तैयार हो सके और लगातार वह अपनी भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे सकें। पता तो ये भी चला है कि इन कट्टरपंथी आतंकी संगठनों का नेटवर्क खास तौर से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा और नादिया जिलों के अलावा असम के मुस्लिम बहुल जिलों में कुछ हिस्सों में सक्रिय है। ये क्षेत्र उत्तरी और उत्तर पश्चिमी बांग्लादेश में जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के गढ़ों के भी करीब है। पश्चिम बंगाल और भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में अपनी जड़ें जमाने के बाद खुफिया एजेंसी को ये भी जानकारी मिली है कि संगठन ने दक्षिण भारत और जम्मू कश्मीर, बिहार और झारखंड में भी अपने पैर पसार लिए हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों को यह पुख्ता जानकारी मिली है कि इन कट्टरपंथी आतंकी संगठनों के भारत में लगभग 50 मॉड्यूल काम कर रहे हैं। इसमें से ज्यादा चिंता की बात यह है कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यहां तक कि दूसरी जगहों पर सक्रिय आतंकी समूहों के साथ संबंध है। इन सभी समूहों को जोड़ने वाला सामान्य सूत्र उनकी भारत विरोधी, लोकतंत्र विरोधी और सलाफी समर्थक विचारधारा है। भारत में कट्टरपंथी आतंकी संगठनों के सहयोगी हैं इंडियन मुजाहिदीन, अल जिहाद अल उम्मा और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिम। पाकिस्तान के मामले में इन्होंने लश्कर-ए-तैयबा, एलईटी और हरकत उल जिहाद अल इस्लामी हूजी के साथ एक मजबूत नेटवर्क स्थापित किया है। इसी तरह उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान और अलकायदा के साथ संबंध बनाए हैं। म्यांमार में अपने संचालन के लिए इन्होंने दक्षिणी बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में स्थित रोहिंग्या सोलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जिनका मेन मोटिव है बांग्लादेश से बगदाद तक जिहाद। और अब आपको पेरिस ओलंपिक से जुड़ी खबर बता दें, जहां पर पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने के साथ नीरज चोपड़ा भारत से सबसे सफल ओलंपिक बन गए हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि पेरिस में मेडल के साथ ही नीरज ने शूटर अभिनव बिंद्रा को पीछे छोड़कर के रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ओलंपिक्स में अभिनव बिंद्रा के नाम एक गोल्ड मेडल है जबकि नीरज के नाम एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल है। नीरज चोपड़ा ने पेरिस में रचा इतिहास, लगातार दो ओलंपिक्स में जीते गोल्ड और सिल्वर। नीरज बने भारत के सबसे सफल ओलंपियन। पेरिस ओलंपिक में गुरुवार का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक रहा। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया। नीरज का सिल्वर मेडल इस ओलंपिक में अभी तक भारत का सबसे बड़ा मेडल है। कंट्री के लिए जब भी मेडल जीतते हैं उसकी खुशी तो होती है, लेकिन वही है कि पर्सनली मतलब मेडल की बात अलग है, लेकिन अब टाइम है इम्प्रूवमेंट करने का थ्रो में भी। इस जीत के साथ ही नीरज ने टोक्यो ओलंपिक्स का अपना रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया। टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज ने 87.58 मीटर भाला फेंका था, लेकिन पेरिस में नीरज ने 89.45 मीटर तक भाला फेंककर सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। ये सीजन में नीरज का बेस्ट थ्रो भी रहा। इस मेडल के साथ ही नीरज चोपड़ा दो ओलंपिक्स के व्यक्तिगत इवेंट में गोल्ड और सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इससे पहले भारत के लिए व्यक्तिगत इवेंट में अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग 2008 में गोल्ड जीता था, मगर वो इसके बाद कोई मेडल नहीं जीत सके।